प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू नए कृषि बिलों के विरोध में सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन करने हेतु संयुक्त किसान मोर्चा उड़ीसा के बैनर तले सैकड़ों किसान दिल्ली सिंधु बॉर्डर के लिए निकल पड़े हैं। आगरा की पावन भूमि गुरुद्वारा गुरु का ताल पर पहुंचे सैकड़ों किसानों ने मोदी सरकार को अपने काले कानून रूपी कृषि बिल को वापस लेने की चेतावनी दी। देश में चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन को लेकर आग तेज होती चली जा रही है। जी हाँ, आज गुरुद्वारे पर हमारे साथ हैं संयुक्त किसान मोर्चा से उड़ीसा से आए किसान, उनसे बात करते हैं। अगर क्या वजह है कि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और वो थमने का नाम नहीं ले रहा है? जी हम सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मनावली है, उड़ीसा किसान यूथ संगठन में अध्यक्ष हूँ। ये आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम 15 जनवरी से हम उड़ीसा भुवनेश्वर से आए हैं। हम जो मांग लेके आए हैं, हम लोग का मांग है कि काला कानून वापस लो, एमएसपी का गारंटी। इस मांग को लेके हम वेस्ट बंगाल से लेके रांची, जमशेदपुर, बिहार, हर जगह मिनिस्टर से लेके विधायक से लेकर समूह स्वागत किए हैं। लेकिन जब हम यूपी में जब पर्सन जब यहाँ हम एंट्री किए, यहाँ पे सरकार तानाशाही राज कर रहा है। हम नजरबंदी लेके जा रहा है, हर बस से इसमें पुलिस लेके जा रहा है। हम इस देश के किसान हैं, हम इस देश के नौजवान हैं, हम कोई आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, ये देश हमारा है। ये चीज सोचना चाहिए योगी सरकार को। हम इस मीडियम के माध्यम बोल रहे हैं, ये देश आज जनता आज वोट देता है, आज इनके वोट में सरकार खड़ा होता है, आज इनके दाने में। आज किसान अगर आज खेती में दाना नहीं उगाएगा तो तुम खा नहीं पाओगे। आज जिसका खाना खा रहे हैं, आज तुम लात मार रहे हैं। आज 2 दिन हो गया वह तानाशाही कर गए हैं, एक जंगल पहाड़ उसके तरफ ले घुसा रहे हैं। जहां हम लोग का आने वाले थे वहां को नहीं ले जा रहे हैं, उनके मनमर्ज में काम करते हैं। ये आने वाले दिन में इस सरकार को एक किसान खड़ा किया है, इस सरकार के ऊपर, ये किसान के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, एक किसान भी सरकार को तोड़ देगा। जो नरेंद्र मोदी जो बार बार बोल गए थे कि मैं देश का विकास कर रहा हूँ, सौगंध है इस देश का, मैं देश बिकने नहीं दूंगा, आज ये देश बेच देते हैं कॉर्पोरेटर के पास। ये चीज मैं बोल लेता हूँ, ये देश अदानी अंबानी का नहीं है, ये देश किसान का है, ये देश आम जनता का है। इसे समझना चाहिए। जो चीज नरेंद्र मोदी बोले थे कि मैं 2 करोड़ बच्चों को नौकरी देना है, कि जो बोले थे कि मैं जब सत्ता में आऊंगा स्वामीनाथ कमेटी निकल के आऊंगा, आज कुछ नहीं बोले हैं। आज देश के सबसे बड़े जो झूठे इंसान और जो देश विरोधी आज नरेंद्र मोदी जितना बात बोल रहे हैं कुछ काम नहीं किए हैं। तो इसलिए ये जो कानून लेके आए हैं, ये कानून बोल रहे हैं किसान का, और किसान ये कानून में अगर वो राजी नहीं होता है उसके ऊपर जबरदस्त क्यों थाप रहे हैं, सवाल आ रहा है सबके दिल में। लेकिन ये जो भाजपा नेता है उनका ये कहना है कि किसानों को जो 3 बिल जो पास किए हैं वो समझ में नहीं आ रहे, किसानों के हितों में है। ये लगातार पत्रचारों में भी टीवी पर भी लगातार देखा जा रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो क्या आप लोग सब लोग मूर्ख हैं या सरकार मूर्ख है? देखो, ये धरती है भगत सिंह का धरती है, ये धरती महात्मा गांधी का धरती है, ये धरती लाल लाजपत राय का धरती है। जब साइमन कमीशन जब आया था, जब साइमन कमीशन को जब वहाँ पे मूवमेंट में आंदोलन में जब वहाँ खड़े हुए थे लाल लाजपत राय, वो चीज बोले थे उसे बैक करने के लिए। ये जो आंदोलन जो हो रहा है, ये किसान ये चीज बोल रहा है कि हमें ये चीज नहीं चाहिए। आज जो भाजपा के नेता जो चीज बोल रहे हैं, ये आईन लेके आए हैं कॉर्पोरेटर सेक्टर के लिए। जो कॉर्पोरेटर आज उनके पीछे आज इलेक्शन के टाइम है और वोट के लिए और प्रचार के लिए आज पैसा लगा रहा है, आज उन्हीं के बाद में ये आईन आया है। ये आईन से क्या होगा ना, फिर से जिसको लेके आज भगत सिंह गोली खाए थे, जिसको लेकर आज महात्मा सिंह आज उनका त्याग तपस्या बलिदान दिए थे, आज उनका जो त्याग तपस्या बलिदान था ये नहीं था कि आज फिर से किसान मजदूर होगा। ये आईन में फिर से किसान मजदूर गुलाम होकर कॉर्पोरेटर के पास में रहेगा। ये आईन में कुछ नहीं, ये आईन खाली किसान के लिए नहीं है। ये कानून में जो चीज आज किसान गांव से बेचेगा 20 रुपए में, आज वही किसान वही आलू हो वही प्याज हो वही चीज को आज फिर 200-250 रुपए मिलेगा। ये चीज समझना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल देंगे, जो जियो सिम आया था, जब वो पहले यहाँ अंदर एंट्री किया, हर कॉलिंग से लेके SMS से लेके नेट सब चीज फ्री कर दिया था, उसके बाद वही सिम 600 रुपया हो गया है। ये कानून लेके आए हैं, जो मंडी का व्यवस्था बोलते हैं, जो APMC मंडी जो है, जो वहाँ पे अब गेहूं जो बोले गेहूं का वहाँ रेट है 1900 रुपया है, पेड़ी का रेट 1868 रुपया है, कहाँ पे 2500 रुपया है। लेकिन ये जब पाएंगे पहले लोभ दिखाएंगे, लोभ दिखाने के बाद उसका मंडी व्यवस्था क्या करेंगे, सरकार बंद कर देंगे सब चीजें प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, ये उनका लक्ष्य है। तो हम लोग जो चीज आज किसान जो बैठे हुए हैं, जो बात बोल रहे हैं भाजपा नेता बोल रहे हैं, आज इसको लेके 58 डेज में किसान हम उम्मीद करते हैं, आज ये बिल के
सपोर्ट में आज कौन कहां पे आज जो भाजपा नेता बोल रहे हैं आज कौन बैठा हुआ है, इसके एगेंस्ट बैठे हुए हैं गांव गांव से किसान। आज वहां पे 70 से ज्यादा किसान वहां शहादत दिए हैं, इसलिए हम ओडिशा के किसान हैं, हम यहां आए हैं, ये मांग जो हमारा है काला कानून वापस लो और एमएसपी गारंटी करो। अगर ये चीज सरकार नहीं सुनेंगे ये आंदोलन और भी तेज करने के लिए हमें यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये 1800 किलोमीटर दूर से आए हैं, आप देखते होंगे जो यहाँ किसान आए हैं अपना घर द्वार छोड़ के आए हैं। ये चीज हम बोल देते हैं नरेंद्र मोदी जी, हम आगरा पहुंच गए और कुछ दिन और कुछ देर हमको लगी है दिल्ली में पहुंचने के लिए, ये बिल वापस लो। या नहीं तो आप जो चीज हम आज मीडिया से बोलेंगे, हम सभी को एक चीज बोलते हैं, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ेंगे बेईमानों से, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। बहुत अच्छी बात, उड़ीसा से आए किसान का साफ ये कहना है कि अभी हम जब लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से, लेकिन आगरा की धरती से फिर साफ हो गया कि यहाँ किसान मेल ही नहीं फीमेल भी आगे हैं, क्योंकि हमारे साथ महिला भी जुड़ी है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मधुमिता समल, यहाँ का जो महिला मोर्चा है उसका अध्यक्ष। मधु जी, जिस तरह से मोदी जी लगभग किसानों के आंदोलन को लगभग 1.5 महीना होने पे आ रहा है, कई लोगों की शहादत भी हो गई है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, वो लगातार आपका दबाव बनाए हुए है कि आप यहाँ से हट जाइए, आप समर्थन मत करिए किसानों का, और ये भी कहा जा रहा है कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, अराजक तत्व है, तो आप आम जनता से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सरकार है, क्या आप लोगों के लिए न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा? पहले तो मैं बताऊंगी, जो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा कानून लाए हैं सरकार बोल रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि सरकार में वो नहीं है, सरकार जो है यो क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है, तो अडानी और अंबानी का सरकार है, तो मोदी जी बीच में आके क्यों खाली खड़े हुए हैं, तो वो हट जाए, डायरेक्टली बात करवाना दे। अच्छा, हम लोग बात करेंगे उनसे जो कॉरपोरेट दलाल है जिनके वजह से यह काला कानून लेके आए हैं। और दूसरी बात जो आपने बोला कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं जो बोलते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है और खालिस्तानी है, ये लोग घुस आए हैं, तो मैं बोलूँगी तो सरकार में तो हम ही बैठाया है, ये किसान ही आपको बिठाया है, तो आपका इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है तो कैसे आप पता नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे कैसे घुस सकते हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी हो या आपका जो बोले टुकड़े टुकड़े गए, इसका मतलब तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरा खराब है, तो आप इस काबिल नहीं रहे। तो इस हिसाब से जो बात वो अपने मुँह से निकालते हैं वही बात उनके ऊपर घूम फिर के आ रहा है। बात है कि जो काला कानून लेके आए हैं जलाबी जैसे गोल गोल है, फार्म के फार्मर के नाम पे यहाँ पे कॉरपोरेट हाउस एंट्री कर रहा है, और ये खेती बाड़ी जो है ये इसमें किसान का जो बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक है हिस्टोरिकल चेंजेस लाएंगे, कहाँ पे मोदी जी जो बोले थे कि अच्छे दिन लाए अच्छे दिन आएंगे वो आएंगे, तो हम बोल रहे हैं मोदी जी आपका जो अच्छा दिन है वो हम बहुत देख लिए, हमें वो अच्छा दिन नहीं चाहिए, हमें वो पुराना वाला जो दिन था वही वापस दे दीजिए। और बाकी एक बात है, ये देश हमारा है, ये देश किसानों का है, यहाँ पे मोदी जी और अडानी जो उनके कांधों पे गोली चला रहे उनका राज नहीं चलेगा, ये राज किसान नहीं देखेगा, किसान उसका परिवार के साथ यहाँ पे खड़ा है, ये मिट्टी की बात है, सम्मान की बात है, माँ की बात है, तो हर कहीं डटा हुआ है, कोई यहाँ पीछा नहीं जाएगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं जाते और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसका गारंटी वो दिलवा नहीं देते, क्योंकि खुद ही वो जब थे गुजरात में तो खुद लिखित से दिए थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गारंटी होना चाहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब सत्ता पे आ जाए तो उनका मुंह में जो है वो चेंज हो जाता है। तो यही सवाल आज किसान उनको पूछता है, वो जो बोलता है टुकड़े टुकड़े गए, कहीं ना कहीं लग रहा है मोदी जी चाहते हैं देश में जो इकट्ठे जो सब एक हुए हैं, जो मतलब किसान को लेके ये व्यवस्था ये जो काला कानून लेके हर देश में हर राज्य से किसान आ रहा है, तो उसको टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रचा रहे, ये साजिश फेल होगा। सारे उड़ीसा से लेके आपका बिहार से लेके झारखंड से लेके पंजाब यूपी हर जगह से किसान आ रहा है, किसान का परिवार उसका पूरा परिवार व्यवस्था खड़ा है, ये काला कानून को वापस ही लेना है। जिस बात सामने आ रही है कि ये किसान आंदोलन अब देश का आंदोलन तो है ही है, ये जिस तरह से भाजपा सरकार भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि ये राजस्थानी और पंजाबी और हरियाणा की किसान आंदोलन है, लेकिन नहीं, ये पूरे देश का किसान का आंदोलन बन चुका है। और हम बात करेंगे जिस तरह 26 जनवरी आ रही है, किसानों ने एक क्या कहते हैं अल्टीमेटम दिया है कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, उस ट्रैक्टर रैली को निकालने के लिए किसान तत्पर तैयार है, लेकिन सरकार उसे रोकने के लिए भरकस प्रयास कर रही है, तो क्या कहना चाहें, किस तरह का निर्णय है और किसान को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो ब्रिटिश के खिलाफ जो गांधी जी लड़ रहा था क्या करता, तो आईन अमान्य आंदोलन कर रहा है, जो ट्रैक्टर रैली हमारे निकाल रहा है, सत्ता ज्यादा खेल खेलेंगे, सत्ता ज्यादा दुष्प्रचार करा था
आप जो पहले वक्ता हमारे से बोला था कि सत्ता 2000 क्या क्या आए, वो खालिस्तानी, वो सिर्फ हरियाणा वाले के आंदोलन रहे, सिर्फ पंजाब वाले के आंदोलन रहे, वो धनी किसान रहे, वो सब झूठ बोलता है। और बीजेपी वाला सबसे, जितना पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में सबसे झूठ फैलाने वाले आदमी बीजेपी वाला है। तानाशाही का नाम आरोप उनका नाम में है, हिटलर से का नाम उनका नाम है। हम लोग स्लोगन दिया क्या देते, गांधी हिटलर सही नहीं चलेगा, गांधी तेरा देश में, तानाशाही नहीं चलेगा, गांधी तेरा देश में। हमको शर्मिंदा लगे, ये किसान की देश में किसान का कानून खिलाफ ले आया, किस टाइम में कोरोना का टाइम, किसको विश्वास के नहीं लिया, कोई किसान संस्था आलोचना नहीं हुई, सीधा आईन ले आया। और उनका जो दोस्त है अंबानी अदानी, जो सारी हिंदुस्तान को नाम आता है, उनको स्वार्थ को लेकर वो सारी हिंदुस्तान को किसान को खेती से छीन लिया, उनको रोजगार से छीन लिया है, इसका खिलाफ आज देखो तमाम हिंदुस्तान एक सूत्र से, रजू से इकट्ठ हुआ है। आज हमारे बड़े प्रमाण क्या है, हम लोग झारखंड बिहार से रास्ते बात है, जनसभा लगाई, मीटिंग लगाई, इतना उत्साह है झारखंड से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, हर एक आदमी दिल्ली आएंगे। अभी आपका राज्य उत्तर प्रदेश, हमको शर्मिंदा लगे जो योगी सरकार, बाबा जी सरकार है, हमको सभा लगाना नहीं दी, हमको रोकना दिया, दो दिन सारी किसान को उपवास रख दिया, पूरा पुलिस थाना से ही चलाया, हमको पूरा नजरबंदी में रख लिया उनका खिलाफ। हम आज बिहार में, झारखंड में, कलकत्ता, उड़ीसा में, हम जजीत जी क्या पुखला पता है देखेंगे। वो हमारा जो नेशनल लीडर, वो इंस्ट्रक्शन दे दिया, इसलिए कि बीजेपी एक ही दल है, वही तानाशाही चलाता है, वही हिटलर से चलाता है। वो ज्यादा जनसभा लगा के, बीजेपी के लगा के बुलाते हैं, क्या किसान को भ्रमित फैल रहा है, किसान को बुद्धू नहीं है, किसान मूर्ख नहीं है, वो किसान की देश है, वो शास्त्री का धरती है, शास्त्री का धरती से हम लोग को सभा लगाने नहीं दिया, किसान का स्वास्थ्य काम नहीं दिया, इसलिए मोदी सरकार हमको निंदा कर रहा है, योगी सरकार निंदा कर रहा है। हमारे पूरा विश्वास में जनवरी 26 जो ट्रैक्टर परेड होगा, सारी दुनिया देखेगा, जवान परेड करेंगे, किसान ही परेड करेंगे हम। लेकिन अभी सरकार ने ये कहा है कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं इन तीनों बिलों को, तो इस पर क्या कहना है? जैसे किसानों ने तो वहाँ से क्या कहते हैं विरोध कर दिया कि नहीं हम इसको मान लेते हैं, आप लोगों का क्या कहना है? संविधान में क्या लिख दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सरकार उनका क्या, वो 5 साल का है, परमानेंट भी कौन, हमने कानून हमने लिए होगा, वो क्या हमको भीख देगा, वो क्या दया दिखाएंगे 1.5 साल की, कुछ 1.5 साल पर पूरा कानून, कोड़ा कानून वापस लेंगे, बाद में कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं, वो लोग खड़ा रहेंगे। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा का साथ, और जो दूसरा राज्य आदमी है उनका अंदर जागरण फैल रहा है। हम जो 7 दिन आए हैं, हर जगह जो मीटिंग होता है, जनसभा लगाते हैं, हर एक आदमी का अंदर हम उत्साह दिख रहा है। हम झारखंड बिहार का नेतृत्व पूरा वादा दिया है, वो लोग भी हमारे पास दिल्ली घुस आएंगे। बाद में मोदी अमित शाह को कोई प्रोटेक्शन देने आदमी ने, वो खुद जो चाय बिकता ना, फिर चाय बने के तो गुजरा भाग जाएंगे। जैसे उड़ीसा किसान दिन का साहब कहना ये था कि मोदी जी अब चाय बेचेंगे, क्योंकि अब ये मान सम्मान की लड़ाई हो गई है, अब ये किसानों की लड़ाई के साथ, क्योंकि कहीं अगर हम बात करें तो ये किसान एक तरफ है और एक तरफ भाजपा सरकार है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से भाजपा सरकार लगातार किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए, खत्म करने के लिए कोई भी कसर, कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन 26 जनवरी ये तय कर देगी कि आखिर किसान जीतेगा या फिर भाजपा सरकार। सैबडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।